हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लीलम। तो कल हम जो है लीलम से 1 किलोमीटर ऊपर पे हमने स्टे किया हुआ था, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो इसमें हम रुके हुए थे, तो अभी एग्जैक्ट 5:20 हो रहे हैं और सुबह 5 बजे जो है हमारी नींद खुल गई थी। तो उसके बाद से हमने हाथ मुंह ब्रश व्रश धो के फ्रेश होके अभी ट्रैक के लिए रेडी हो रखे हैं। तो ये अभी दूसरा दिन है हमारे ट्रैक का। तो बकरियाँ देख सकते हो दोस्तों, हमारी यहाँ पहुँच गई हैं, तो अभी इनके साथ जाना है। और यहाँ पे घोड़े भी तैयार किए जा रहे हैं, तो अभी साथ में ही ट्रैक करेंगे ऊपर को, इन्हीं के साथ जाएंगे आराम आराम से। बाकी साथी लोग हमारे अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो ये हो गया गाइस हमारा डे 2 का ट्रैक स्टार्ट, और ट्रैकर हमारे फुल जोश में। थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत तो हो ही रहेगा इस, क्योंकि कल रात बारिश भी हुई है और यहाँ पे जहाँ मिट्टी है तो वहाँ पे पैर फिसलने का डर भी है। और सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं खलकोट में, और यहाँ से अगर चलते रहेंगे इस रास्ते पे हम तो 3 किलोमीटर दूर मैनसिंह टॉप पे पहुँचेंगे। और आज हमारा स्टे होगा बुगड्यार में, बहुत बढ़िया कोट यहाँ पर ITPP द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ए मेरे पाँव के छालो लहू उगलो, मेरे सफ़र के निशान मिटने ना पाएँ। तो ये ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ही जोशवर्धक जो है कोट यहाँ पर ITPP के द्वारा लिखा गया है। तो जो है हम भी लहू उगलते हुए जो है अभी मिलम तक जाएंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और कोट मिला है दोस्तों हमें, तो ये कुछ इस प्रकार से है कि देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें। तो ये ITPP द्वारा बहुत बढ़िया बढ़िया कोट्स जो है रास्ते पर लिखे गए हैं दोस्तों। आगे और मिलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप दोस्तों नज़ारे देखिए, और जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहेंगे ये नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाएंगे। तो कल रात जो बारिश हुई है उस वजह से देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे। आगे सामने वाली पहाड़ी पे जाना है हमने दोस्तों टॉप पे, और यहाँ से रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई। तो रास्ता देख सकते हो गाइस यहाँ पे किस तरीके का है। तो ऐसे जगहों पे आने के लिए जो है एक अच्छा खासा ट्रैकिंग शूज आपके पास होना ज़रूरी है, वरना आपके पैरों में जो है बहुत दिक्कत हो सकती है। और साथ ही हमारे नीचे भी आराम कर रहे हैं। तो गाइस लगभग 1 घंटे का ट्रैक हम कर चुके हैं, और मैनसिंह टॉप 3 किलोमीटर ऊपर लिखा था, और जैसी जगह पे मैं हूँ सबसे टॉप वाली जगह ये है, तो शायद यही मैनसिंह टॉप होगा। जिस पत्थर में बैठा हूँ उसके नीचे पूरी खाई है और सबसे टॉप वाली जगह है। तो इस रास्ते से आ रहे हैं हम, अभी हमारे साथी भी आएंगे यहाँ से, उस रास्ते से आए थे और इस रास्ते से जाना है। और अब आगे जो है पूरा तिरछा रास्ता है, जिस और जिनके साथ हम आए थे जो बकरी लेके आए थे वो थोड़ा हमसे 1/2 घंटे पहले निकल चुके हैं, तो हमसे आगे हम जो है आराम आराम से ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ से ऊपर आने में इतनी खतरनाक चढ़ाई थी वो हम चढ़ चुके हैं। बाकी एक मेजर प्रॉब्लम इनका है दोस्तों, देख सकते हो अभी छोटे छोटे, और ये ऐसा काट रहे हैं क्या बताऊँ। तो ऊपर जो है देख सकते हो आप कितने बर्फीले पहाड़ हैं, और यहीं से जो है ओके नदियाँ निकल रही हैं, और ये जो नीचे फिर एक बड़ी नदी में मिल रही है ये है गोरी नदी, और ये आगे जाके नीचे जौलजीवी में मिल जाती है काली नदी के साथ। तो रास्ता देख सकते हो गाइस, रास्ता कुछ इस टाइप का है पूरे ट्रैक पे, ऊबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरा हुआ। और यहाँ पर जो है गलती के कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ आपसे अगर छोटी भी गलती होती है तो उसकी भरपाई जो है आपको जान से हाथ धोकर करनी पड़ेगी। Forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see making new memories.
दोस्तों, हम सोच रहे थे कि जितनी चढ़ाई थी हमने पार कर लिए, लेकिन सबसे खतरनाक वाली चढ़ाई अभी बची हुई है। आपको दिख रहा होगा कैमरे में ट्रैकिंग का नतीजा दिखने लग गया है गाइस, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर थोड़ा एनर्जी रिकवर करने के लिए ग्लूकोन डी बनाया जा रहा है गाइस, और पीछे से घोड़े वाले भी अब हमारे साथ साथ ही पहुँचते हुए। गाइस, यहाँ से एक खतरनाक वाली चढ़ाई शुरू हो रही है, और ये काफ़ी रिस्की और काफ़ी खतरनाक होने वाला है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि इस ट्रैक पे आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते, वरना नीचे देख सकते हो आप कितनी बड़ी खाई है, और नीचे सीधे रोड है, उसके बाद सीधे नदी है, और जो यहाँ से गिर गया भाई वो सीधे जाएगा नदी में। जिंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रैक कमलेश चौहान जी का ये ट्रैक गाइज, मेरी लाइफ का मे भी सबसे लंबा ट्रैक होने वाला है, और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि रास्ते आप देख सकते हो कैसे हैं यहाँ पे। भाई लिटरली मेरे जांघों में जो है दर्द होने लग गया, इतनी खतरनाक चढ़ाई है। अभी तो आधा ही हुआ है। तो गाइस, अभी हम 22 बैंड की चढ़ाई जो है चढ़ रहे हैं ऊपर को, और अभी तक 12 बैंड जो है हम क्रॉस कर चुके हैं, 10 और बचे हैं, उसके बाद से जो है चढ़ाई ख़त्म और डाउन आ जाएगा। उसके बाद तो नीचे डाउन चलना है जितना हम ऊपर चढ़े हैं, और उसके बाद तिरछा, और उसके बाद थोड़ा ऊपर को, ऐसा बता रहे हैं लोग, तो देखते हैं आगे। 22 बैंड की जो जिग जैक वाली चढ़ाई थी, 22 बैंड पार करके 23वें में हूँ मैं अभी, और बोर्ड जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं सारे पूरे रास्ते में से फटे पड़े मिल रहे हैं, ये पता नहीं, अब ये पता नहीं जंगली जानवरों ने फाड़ रखे हैं। 22 बैंड पार करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर देखने को मिल जाएगा, और एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, रड़गाड़ी पुल है यहाँ पर से 2 किलोमीटर। तो अब यहाँ से रास्ता डाउन, तो अभी दोस्तों जंगल का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं हम, अभी पता नहीं कितने किलोमीटर और जंगली जंगल जाना है, और यहाँ धूप वूप तो आती नहीं है, इसकी वजह से जोंक भी लगने लग गए हैं, तो थोड़ा तेज तेज चलना पड़ रहा है अभी। हेलो गाइस, ये हमारे यो चुफाल ब्लॉगर्स अभी ये हैं काम चोर टाइप के, थोड़ा ब्लॉग बनाने के चक्कर में अभी इन्होंने बैग पकड़ा है गाइस, ये हमारे बासदा, ये हमारे कामचोर ब्लॉगर, देख सकते हो गाइस कितना बड़ा भारी बैग पकड़ लिया मैंने, वो तो अभी डाउन आ गया, पूरी चढ़ाई में मैंने पकड़ा था। अभी ये हमारे आगे घोड़े वाले भाई साहब, एंड घोड़ा घोड़ी है जब हम सुबह 5 बजे से पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए अभी 5 किलोमीटर डाउन चढ़ने हैं गाइज, बहुत परेशानी हो रही है गाइज, इतना बड़ा बैग लगाना पड़ रहा है। ये हमारे कामचोर हैं बहुत ही ज़्यादा, पूरी खड़ी चढ़ाई में हमने बैग पकड़ा था, अभी डाउन आया तो बोला मैं पकड़ता हूँ, भलाई का तो जमाने नहीं रहा
तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हम अभी पहुंचे हैं बबलधार में। तो यहाँ पर एक होटल मिला हमको, पहला होटल आज के दिन का ये है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय नाश्ता और थोड़ा रेस्ट भी, फिर उसके बाद चलते हैं। और आगे आगे भी डाउन डाउन ही है चलना, तो आराम आराम से जाते हैं। तो ये आ गई है गाइस हमारी मैगी, और बसदा यहाँ मैगी का आनंद लेते हुए। कैसी हो रही है भाई साहब, थोड़ा रिव्यू तो दो। मज़ा आ गया। तो धनिया की खुशबू तो आ रही है इसमें से तगड़ी वाली, तो इसको चखते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। जगह जगह पे दोस्तों ऐसे होटल देखने को मिल जाएंगे आपको इस रूट पे, ये एक बहुत अच्छी बात है इस ट्रैक की। और गाइस इन होटलों की जो है सबसे खास बात ये है कि यहाँ स्टे आपको फ्री मिलता है, बस शाम का जो आप खाना खाते हो आपका उसका पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी आप फ्री में रह सकते हो। शॉर्ट भी था इधर नदी के किनारे किनारे ऊपर जंगल के रास्ते, और ये रास्ता हमें दिख रहा है इधर नीचे, यहाँ से ये आ रहा है ऊपर को ऐसे, यहाँ हो रहा है टच। जरूरत नहीं है इसकी। तो गाइज आज के दिन का लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब जब सामने जो नदी दिख रही है आपको, इस नदी के किनारे किनारे जो है मीलम के लिए रास्ता जाता है, तो यहीं से जाना है हमने। तो अभी जाते हैं नीचे को, नज़ारे देख सकते हो आप, बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ जो है बादल छाए हुए हैं। दूर चले जाए। तो ये है दोस्तों पुल जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे पहले। और ये गोरी नदी के किनारे किनारे दोस्तों मिलम की ओर हमारा सफ़र जारी है, और व्यू देख सकते हो आप, और रास्ता जो है पूरा नदी के किनारे किनारे ही है। तो एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे, उम्मीद है आगे और भी मिलेंगे इससे अच्छे अच्छे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सियूनी, और यहाँ पर एक होटल भी है, और ये दादी हमारे साथ ही हैं। तो चलते हैं आगे को, देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, और थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, बहुत थक गए हैं आते आते। अभी और कितना होगा था इससे आगे, कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर और अभी बोगडार के लिए जाना है हमने, और उसके आगे फिर देखेंगे ट्रैक कंटिन्यू करने हैं या वहीं पर रेस्ट करने हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़ा पानी आने पी लेते हैं। अभी लगभग थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं बुगडार, और यहाँ पर जो है रोड का काम चालू है, तो मेन रास्ता से नहीं जा रहे हम, देखो ऊपर से जाएंगे। तो देख सकते हैं आप काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हवा। डंडा ले लेता हूँ यार। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से रोड का काम चालू है यहाँ पे, और कैसे जाना पड़ रहा है। तो अब रूट रूट ही हमने जाना है आगे को, और हालत डाउन हो गया भाई, देख सकते हो आप पसीने से खतरनाक, पूरा शरीर भीग गया पसीने से, और अब तो पांव भी कांपने लग गए हैं। तो थोड़ा सा और जाने हैं शायद 500 या 1 किलोमीटर आगे, और उसके बाद रेस्ट करेंगे, खाना ना खाएंगे, और फिर आगे का उसके बाद देखेंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बुगडियार चौकी पे, और यहाँ पे फर्स्ट गेट है एंट्री के लिए, तो यहाँ पर एंट्री कराएंगे उसके बाद आगे जाएंगे। ये है गाइस बुगडियार, और वहाँ सामने बकरियाँ भी दिख रही हैं अपनी। तो गाइज़ अभी नदी नदी ऊपर जाना है, वहाँ रोड में जो वहाँ पर दिख रहा है ना वो होटल, उसमें जाना है। तो
तो ये है गाइस एक लकड़ी का पुल, देख सकते हो आप किस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। तो गाइस लगभग 17-18 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने ठिकाने पे। तो ये कुछ इस टाइप से है, देख सकते हो आप। तो बहुत थक चुके हैं सुबह से चलने में थे, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर धूप धूप आती है तो फिर नहाना धोना करते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और बढ़िया जो है दिन के 1 बजे से अभी तक सोए हुए थे, तो बढ़िया रेस्ट कर लिया है और थकान भी दूर हो गई है। और अभी देख सकते हो दोस्तों इतना बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पर, ठंडा ठंडा कूल कूल, और यहाँ पर बकरियाँ भी आई हुई हैं चरवाहों की। तो गाइस यहाँ पर बकरियों में सामान लोड किया जा रहा है, ये देख सकते हो आप। तो ये था गाइस हमारे day 2 का ट्रैक का जितना कुछ भी था व्लॉग। तो अब जो है खाना वाना बनाने की तैयारी हो चुकी है, अभी आराम से खाना वाना बनाते हैं, खा के फिर सो जाते हैं। कल सुबह आराम से 8 बजे निकलेंगे यहाँ से, ऊपर गाड़ी में जाने का विचार है क्योंकि आजकल ट्रैक जो है वो पुराने वाले रास्ते से नहीं हो रहा है, रोड बाय रोड हो रहा है, तो गाड़ी में जाने में भी फ़ायदा है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कल सुबह, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग यूट्यूब ब्लॉग्स।